हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया आज भी लोगों की फेवरेट फिल्मों में से एक है। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में शामिल इस फिल्म को आज भी लोग टीवी पर देखते हैं। वहीं पिछले साल डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्विटर पर मिस्टर इंडिया 2 का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा बज बना हुआ है। लोग ये जानना चाहते हैं कि अली अब्बास की इस फिल्म में कौन नजर आएगा। मीडिया के गलियारों में इस तरह की खबरें आई थीं कि फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आ सकते हैं, जो कि फिल्म में हीरो का किरदार निभाएंगे। इसके अलावा खबरें तो ये भी थी कि फिल्म में सलमान खान का भी अहम रोल होगा, जो कि खलनायक की भूमिका में दिख सकते हैं। लेकिन इसी बीच अब कहा जा रहा है कि फिल्म में जाह्नवी कपूर दिखाई दे सकती हैं। खबरों की माने तो जाह्नवी अपनी माँ श्रीदेवी के रोल में दिखाई दे सकती हैं। दरअसल हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर से एक बातचीत के दौरान पूछा गया, क्या जाह्नवी कपूर अपनी मां श्रीदेवी की तरह ही नए मिस्टर इंडिया फिल्म में कदम रखेंगी। इस पर अली ने कहा, प्रोड्यूसर बोनी कपूर ऐसा होने पर वास्तव में बहुत खुश होंगे। श्रीदेवी ने पहले आई फिल्म मिस्टर इंडिया में एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी। वहीं अली ने मिस्टर इंडिया 2 को लेकर बताया, ये बोनी कपूर और जी के बीच एक कोलैबोरेशन होगा। हम भारत और विदेशों में भी शूटिंग करेंगे। इसमें बेहद जबरदस्त स्पेशल इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, लेकिन इसका अनिल कपूर के मिस्टर इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बड़े बजट और न्यू साइंस बेस्ड फिल्म होगी। हम एवेंजर्स जैसे किरदार बनाना चाहते हैं। ये मिस्टर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होगा। तो देखा आपने, अली की फिल्म में इंटरनेशनल लेवल का मिस्टर इंडिया देखने को मिलेगा। बता दें, फिल्म मिस्टर इंडिया का डायरेक्शन शेखर कपूर ने किया था, जो कि 1987 में आई थी। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि मिस्टर इंडिया 2 का पहले पार्ट से कोई संबंध नहीं होगा। मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर और श्रीदेवी अहम रोल में नजर आए थे, और 2 जो होगी, यानी कि जो इसका सीक्वल होगा, वो पूरी तरह से एक नई फिल्म होगी। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि इस फिल्म के लिए अली जाह्नवी को फाइनल करते हैं या नहीं। वैसे आप मिस्टर इंडिया 2 से जुड़ी इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।